हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजू सर ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट एक्सरसाइज 4.4 समझाने वाला हूं। इसका कॉन्सेप्ट पहले जो भी एक्सरसाइज हम किए हैं उसमें ऑलरेडी दे चुके हैं, तो इसलिए हम कॉन्सेप्ट आपको नहीं बता रहे, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, उसे अप्लाई करना है इस एक्सरसाइज के। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन के तरफ। क्वेश्चन नंबर वन में आपको नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं और यदि रूट्स रियल हो तो उसे फाइंड आउट भी करना। तो हम क्वेश्चन नंबर वन के थर्ड पार्ट को हमने लिया है क्योंकि मुझे लगा कि ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो सकता है, इसलिए मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन ले रहा हूं वो थर्ड पार्ट। क्वेश्चन है 3x² - 4√3x + 4=0। सबसे पहला काम आपको ए बी और सी की वैल्यू लिखना है इस इक्वेशन को देख करके। मैंने बताया है कि ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, इसलिए ए का वैल्यू यहां 3 कहलाएगा। बी का वैल्यू एक्स का कोएफिशिएंट होता है, एक्स का कोएफिशिएंट यहां -4√3 है, माइनस साइन इसके साथ है, तो इसीलिए -4√3 बी का वैल्यू है एंड सी का वैल्यू 4। हमने लिख दिया ए बी सी। अब हम निकालेंगे डी, कैपिटल डी जो डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करता है और जिसका फॉर्मूला है d = b² - 4ac। अब हमने b की वैल्यू डाली -4√3² - 4 a c। अब जब हम स्क्वायर करेंगे 4√3 का तो यहां पे बच्चे गलतियां करते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि हमें 4 का भी स्क्वायर करना है और रूट 3 का भी स्क्वायर। पहले एक माइनस साइन है, माइनस साइन का दो बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और 16 और 3 का फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 48 आएगा, यानी इसको सॉल्व करके 48 आएगा। माइनस 4 × 3 × 4 ये भी सॉल्व करके 48 आएगा और 48 - 48 जीरो आ गया, यानी डी का वैल्यू हमारा जीरो आ गया। तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, लेस देन जीरो हो सकता है। तो डी की वैल्यू जब जीरो हो तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो तो रूट्स आर रियल बट अनइक्वल एंड डी का वैल्यू लेस देन जीरो हो तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो यहां पर इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, इसलिए हमें रूट्स को फाइंड आउट भी करना है। फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है x = -b + -√d/2a। बी के जगह हमने -4√3 लिखा, डी के जगह डी की वैल्यू डाली और 2 × a की वैल्यू 3 डाली। इस तरह से सॉल्व करके आया ये माइनस माइनस मिलके हो गया +4√3। गलती यहां भी बच्चे करते हैं, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है और बी का वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है इसलिए डबल माइनस यहां पे आ रहा है। तो 4√3 और जीरो का स्क्वायर रूट जीरो ही होता है, इसीलिए हमने यहां प्लस माइनस जीरो लिखा। अब इसे सॉल्व करने के लिए यहां प्लस माइनस जीरो जो लिखा हुआ है यहां पे दो पार्ट में सॉल्व करना है, एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए। इसीलिए रूट्स आर 4√3 + 0/6 एंड 4√3 - 0/6। तो चाहे प्लस जीरो करें या माइनस जीरो करें सेम आएगा आंसर 4√3/6। 4√3/6, 4 और 6 को हमने कैंसिल कर दिया, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो फाइनल आंसर 2√3/3। इस तरह से हमने दोनों रियल रूट्स फाइंड आउट किए, 2√3/3, 2√3/3। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता ही आता है, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा कि कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसका सेकंड पार्ट हमने ले लिया, सेकंड का इक्वेशन हमें गिवन था kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0। सबसे पहला काम इसे सिंप्लीफाई कीजिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हमने सिंप्लीफाई किया,
एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन किया, के एक्स स्क्वायर आ गया, के एक्स का टू के साथ मल्टीप्लीकेशन किया, माइनस टू एक्स आया, माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब यहां पे जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में दिया हुआ है। अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है के वो ए कहलाएगा, एक्स का कोफिशियंट माइनस टू के वो बी कहलाएगा, और सिक्स जो है वो सी कहलाएगा। तो हमने ए बी सी तीनों वैल्यू निकाल लिया। अब हम निकाल रहे हैं डी। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। हमने बी का वैल्यू रखा माइनस टू के का स्क्वायर माइनस फोर इंटू के इंटू सिक्स। माइनस टू के का स्क्वायर करेंगे तो आएगा फोर के स्क्वायर, माइनस टू का स्क्वायर फोर आएगा और के का स्क्वायर के स्क्वायर आएगा, माइनस ट्वेंटी फोर के। हमने डी निकाल लिया। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इक्वेशन के रूट्स इक्वल है। इक्वेशन के रूट्स इक्वल का मतलब डी का वैल्यू जीरो होना चाहिए, क्योंकि वही एक कंडीशन है जिसमें रूट्स इक्वल होते हैं। तो हमने सबसे पहले वही लिखा कि सिंस इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स therefore d must be equal to zero। अब हमारा d क्या है, ये d है, तो ये d की जगह ये वाली वैल्यू डल जाएगी, तो 4k square minus 24k equal to zero। अगले स्टेप में 4k square और 24k को हमने राइट साइड में शिफ्ट कर लिया तो ये आ गया 24k पॉजिटिव। अब यहां पे है k square, यहां पे है k, तो k से एक k मैंने कैंसिल कर दिया, k से एक के कैंसिल हो गया, के स्क्वायर है ना, दो बार के है, तो सिंगल के से यहां का के कैंसिल हो गया। अगले स्टेप में के की वैल्यू इज इक्वल टू 24 अपॉन 4, कैंसिल करके आ गया 6। इस तरह हमने के की वैल्यू 6 फाइंड आउट की। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के आप दोनों पार्ट सॉल्व कर सकते। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, और इस वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल के बारे में गिवन है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से डबल है। लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, तो इसीलिए हमें क्या लेना चाहिए, ब्रेथ को एक्स एज्यूम करनी चाहिए। तो हमने एज्यूम कर लिया ब्रेथ भी एक्स, तो लेंथ आ गया 2 इंटू एक्स 2x। अब लेंथ और ब्रेथ दोनों हमारे पास है। क्वेश्चन में गिवन है कि एरिया 800 है, इसीलिए हमारा इक्वेशन बना 2x इंटू एक्स, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है l इंटू b, तो l हमारा क्या है 2x और ब्रेथ क्या है x, तो 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 800, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अगले स्टेप में 2 हमने इस साइड लेके चले गए, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो x इज इक्वल टू 400 का स्क्वायर रूट। अब किसी भी चीज का स्क्वायर रूट जो निकाला जाता है वो प्लस में भी आता है माइनस में भी आता है, इसीलिए हमने आगे लिखा है प्लस माइनस 20, यानी प्लस 20 भी हो सकता है माइनस 20 भी हो सकता है। लेकिन एक्स है क्या, ब्रेथ है, तो ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ब्रेथ की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती, इसीलिए मैंने लिखा कि ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए ब्रेथ की वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी है, यानी ब्रेथ हो जाएगा 20 और लेंथ हो जाएगा 20 इंटू 2 दैट मीन्स 40। इस तरह लेंथ और ब्रेथ हमने फाइंड आउट किया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि द सम ऑफ द एजेज ऑफ टू फ्रेंड बी 20, यानी दो फ्रेंड के एज का सम 20 दिया हुआ है। तो हम वहां पे एक की एज यदि x ले लें तो दूसरे का एज क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स, एक्स माइनस 20 नहीं, 20 माइनस एक्स। एक की एज हमने x ली तो दूसरे की एज 20 माइनस एक्स आ गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 इयर्स अगो, तो हमें दोनों का 4 साल पहले का एज निकालना है। अभी ये प्रेजेंट एज x है तो 4 साल पहले की एज हो जाएगी x माइनस 4, और दूसरे फ्रेंड की 4 साल पहले की एज हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस, यानी 4 साल पहले की ये दोनों की एज। अब 4 साल पहले की एज का प्रोडक्ट गिवन है 48, इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा इक्वेशन क्या बना, x माइनस 4, दूसरी ब्रैकेट में हमने लिखा है 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 48। अब हमें इसे सिंप्लीफाई कर दिया हमने, x माइनस 4 यहां पे 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, फिर x का मल्टीप्लीकेशन इस पूरे ब्रैकेट के साथ,
माइनस फोर का मल्टीप्लीकेशन इस पूरे ब्रैकेट के साथ, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली आपका इक्वेशन ये बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल टू सी। अब यहां पे ए बी सी के वैल्यू हमने लिख लिया, ए का वैल्यू माइनस वन, बी का वैल्यू 20, सी का वैल्यू माइनस 112। अब हम डी निकाल लें, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू क्या है हमारा 20, तो 20 का स्क्वायर हो गया माइनस 4, ए का वैल्यू है माइनस 1 इसलिए माइनस 1 आया, और सी का वैल्यू है माइनस 112 तो यहां माइनस 112 आ, 20 का स्क्वायर 400 आया, और माइनस 3 बार आया माइनस माइनस माइनस, तो 3 बार माइनस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अल्टीमेटली माइनस ही आएगा, तो माइनस, और 112 को 4 से करेंगे तो हमारा डी का वैल्यू क्या आ गया माइनस 48। अब माइनस 48 जो है वो जीरो से छोटा होता है, तो हम लिखेंगे कि डी की वैल्यू लेस देन जीरो है, इसीलिए नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी इसका रियल रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन में जो गिवन सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए लास्ट में हमने लिख दिया फाइनल आंसर कि देयरफॉर गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपसे स्टार्टिंग में ही पूछा गया था कि क्या गिवन सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, तो चूंकि डी का वैल्यू लेस देन जीरो आया इसलिए हम रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट क्वेश्चन है। यहां पे एक रेक्टेंगल ऐसी इमेजिन करना है, पूछ रहा है कि क्या एक ऐसा रेक्टेंगल पॉसिबल है जिसका एरिया 400 हो और पेरीमीटर 80 हो। तो हमने एज्यूम किया कि इसका लेंथ एक्स है एंड ब्रेथ वाई है, तो हमने स्टार्टिंग में लिखा लेंथ एक्स ब्रेथ वाई, तो एक्स इंटू वाई एरिया कहलाता है और वो वैल्यू हमें 400 के इक्वल गिवन है, तो एक्स इंटू वाई इक्वल टू 400, therefore y is equal to 400 upon x। ये हमारा एक तरह से इक्वेशन नंबर 1 का है, यानी हमने y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास जो दूसरा कंडीशन गिवन है कि पेरीमीटर इज 80, तो हमने लिखा पेरीमीटर इज इक्वल टू 80। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l plus b, अब हमने l की वैल्यू लिखा x और b का वैल्यू लिखा y, तो 2 into x plus y equal to 80, अगले स्टेप में 2 x के जगह x लिखा है हमने और y के जगह 400 upon x लिखा। अगले स्टेप में इस 2 को मैं इस साइड लेके चला गया हूं और ये जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है उसे हमने सिंप्लीफाई कर दिया LCM लेकर के, तो फाइनली LCM हो गया x, यहां आएगा x square और यहां आएगा 400, और ये 2 जब इस साइड गया तो 80 कैंसिल हो जाएगा 40 में। अगले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो x square plus 400 is equal to 40x, नेक्स्ट स्टेप में इस 40x को हम लेफ्ट साइड में लेके आए, तो x square minus 40x plus 400 equal to 0। अब इस इक्वेशन को चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कीजिए या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी इजी है इसलिए हमने उसे ही फॉलो किया है। हमने 40 को 20 20 लिखा, तो माइनस 20x माइनस 20x इज इक्वल टू 400, पेयर वाइज कॉमन लेंगे तो फाइनल हमारा फैक्टर आ जाएगा x माइनस 20 x माइनस 20। अब सॉल्व कर दीजिए, x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 20 आ गया, और इसी तरह y की वैल्यू जब यहां पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं 400 अपॉन 20, दैट मींस 20, यानी x भी 20 और y भी 20, यानी एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल हो सकता है और उसकी वैल्यू 20 20 हो सकती है, तो ये कंडीशन पॉसिबल है। इस तरह से हमने आज एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट किया और इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन आप इस चैप्टर के एग्जाम्पल को करना मत भूलिएगा क्योंकि एग्जाम्पल भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम्पल जरूर करना, अच्छे से करना, और यदि किसी एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज
आप कमेंट करना, हो सकता है अगली वीडियोस में मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूं। अगली क्लास में हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। आप हमारे चैनल के यदि नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सके। अगली क्लास में हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन गुड बाय।